हिमाचल प्रदेश में सरकार सेब की पैकिंग के लिए टेलीस्कोपिक कार्टन के इस्तेमाल की छूट नहीं देगी। मंडियों में सेब सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन में बिकेगा। प्रदेश के बाहर की मंडियों के लिए भी टेलीस्कोपिक कार्टन में सेब ले जाने पर रोक रहेगी। पुलिस ने शिमला के चलौंठी में इंटरस्टेट ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश किया। इसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों से 169 ग्राम चिट्टा बरामद किया, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख आकी गई है। फिलहाल पुलिस मामले पर और भी तथ्यों को जुटाने में जुट गई है। मंडी में बारिश से अब तक 10 करोड़ 81 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें जल शक्ति विभाग को 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमीरपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर विकास कार्य बंद करने का आरोप लगाया है। मनाली ले एनएच जिंगजिंगबार के समीप नाले में बाढ़ आई। वही इस दौरान कई पर्यटक फंसे, जिन्हें ब्रो ने रेस्क्यू किया। जिला कुल्लू के बरशैनी खीर गंगा मार्ग पर कूड़ेदान स्थापित किए। युवकों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते फ्लैश फ्लड व भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बारिश के चलते राज्य में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 77 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हुई थीं। वहीं 236 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। नाहन में बारिश का तांडव देखने को मिला। घरों और गौशाला में बारिश का पानी घुसा, जिसके कारण अफरा तफरी मची। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में आयकर विभाग की 3 कारोबारियों के घरों और व्यापारिक ठिकानों पर छापामारी दूसरे दिन भी जारी है। आभूषणों को जांचने के लिए जौहरी बुलाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। अब मटोर से शिमला फोरलेन पर सफर करने पर वाहन चालकों की जेबें ढीली होंगी। फोरलेन पर 2 टोल बैरियर प्रस्तावित हैं, एक रानीताल के घट्टा और दूसरा जिला हमीरपुर में। इसी के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रानीताल के घट्टा में टोल बैरियर स्थापित किया। ऊना शहर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा, नालियां जाम होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा के मेरिट आधारित प्रवेश वाले कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवचेतना विशेष स्कूल सर्वरी में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 50 से अधिक विशेष बच्चों का स्वास्थ्य जांचा गया। इस शिविर में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपशिखा, फिजियोथेरेपिस्ट प्रिया और फार्मासिस्ट अमित कुमार ने अपनी सेवाएं दी। प्रदेश के देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार और संगठन के सभी नेता फील्ड में उतर गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में विधानसभा उपचुनाव के बाद कई आईएएस, एचएएस, आईपीएस, आईएफएस, एचपीएस अधिकारी और तहसीलदार बदले जा सकते हैं। कांगड़ा जिले के गगल में इच्छी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से ही झमाझम बारिश के चलते कई गली मोहल्लों व सड़कों पर जलभराव हुआ। सड़कें तालाब बन गई, छोटे नाले उफान पर, साथ ही गांव जाने वाले रास्ते भी पानी से भर गए। कालामबत्रीलोकपुर सड़क पर हुए एक सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं सड़क पर पैदल चल रहा एक व्यक्ति भी ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। ऊना में बारिश का तांडव देखने को मिला। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास दीवार गिरी। सोलन में पार्किंग बनाने के लिए कवायद तेज हुई। एनआईटी हमीरपुर के विशेषज्ञों ने मिट्टी का परीक्षण किया। सिरमौर जिला सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश होने के बाद धान की रोपाई का कार्य जोरों पर। एचआरटीसी बस 16,000 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रा को पार कर पदम पहुंची, ट्रायल सफल हुआ। चंबा जिला के चमेरा चरण प्रथम के जलाशय में 27,000 कोमनकार मछलियां छोड़ी गई। इसका लाभ मछुआरों और स्थानीय लोगों को होगा। नाहन में अब तक डेंगू के 17 नए मामले सामने आए। चिकित्सकों की टीम ने लोगों के घर द्वार पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच की। जिला सिरमौर के रोनहाट में भारी बारिश के कारण कोटी पूंछ पंचायत के लिए बनी सड़क का डंगा गिरने से एक मकान को खतरा पैदा हुआ। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने दी जानकारी दी है कि प्रदेश में शिक्षकों की प्रमोशन लिस्ट जल्द जारी होगी। वही शिक्षक संघ ट्रांसफर पॉलिसी को भी कम करने पर सरकार से बात कर रहा है। संभावित आपदा से निपटने के लिए चंबा उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को बेहतर ढंग से कामकाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सिरमौर जिला के राजगढ़ के प्लम ने देश भर की मंडियों में दस्तक दी। वही प्लम के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खिले।